हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइज, इससे प्रीवियस वीडियो में हम अपना टॉपिक नंबर 2 कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3, और इसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। गाइज, ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको एनपीओ को समझना है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको समझना है, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको तभी समझ में आएगा जब ये 4 वर्ड आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। ये 4 वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में भी ये 4 वर्ड हमने डिस्कशन करे थे, बट मैं आपको रिमेम्बरिंग के लिए आपको एक बार जो है दोबारा से इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। तो वन बाय वन एक बारी डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट विच हैव नॉट येट बीन पेड। कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो आपको देना था बट आप जो है नहीं दे पाए हो, उसको जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच हैव बीन पेड इन एडवांस। और प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो आपने एडवांस में ही क्या कर दिए हैं, पे कर दिए हैं। मैंने इसमें आपको जो है कल भी जो है टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल देकर बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए भाई, ये एक जो है स्टूडेंट है, ठीक है, और ये जो है एक टीचर है। तो अब मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है भाई, टीचर जो है एडवांस फीस लेता है, ठीक है भाई, 2-3 दिन डेमो दिया, उसके बाद जो है एडवांस फीस लेता है। तो स्टूडेंट क्या करता है, टीचर को पहले 1 मंथ की जो है फीस प्रोवाइड करता है, तब जाकर टीचर जो है अपनी सर्विस स्टूडेंट को देता है। तो यहां पर जो है मान लीजिए उस बंदे ने जो है फीस पे करी है 500 रुपए पर मंथ। तो ये जो 500 रुपए पर मंथ जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा, क्योंकि इसने जो है पे करा है और इसको जो है मिला है, तो यही चीज इसके लिए क्या कहलाएगी, प्रीपेड इनकम, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीपेड इनकम, सबसे पहले तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। इसके लिए प्रीपेड को एडवांस भी कह सकते हो आप, एडवांस इनकम। इसने अभी इनकम पहले ही हो गई है, सर्विस अभी तक नहीं दी है, और इसके लिए एक्सपेंस पहले ही दे दिया, अब सर्विस इसको जो है मिलेगी। तो ये 2 वर्ड सबसे पहली बात तो आपको समझने हैं। और फिर है आउटस्टैंडिंग इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस। देखिए कह रहा है, इज एन इनकम विच हैज नॉट बीन अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट हैज येट बीन ड्यू एंड देयर फोर हैज नॉट बीन रिसीव्ड। ये क्या कह गया, बिल्कुल आपके ऊपर से गया होगा, इतना तो मेरी 100% गारंटी है। पहले एक और बारी नीचे वाला पढ़ते हैं। कह रहा है इनकम रिसीव इन एडवांस इज एन इनकम विच हैज बीन रिसीव्ड बिफोर इट हैज बीन अर्न। अभी मैंने आपको जो बताया है वो मैंने बताया है ये दोनों, ठीक है। अभी ये दोनों हमने डिस्कशन करा है, अब हम डिस्कशन करेंगे ये दोनों कि ये दोनों जो है क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि भाई ये स्टूडेंट है, ठीक है, और एक ये मान लीजिए ये स्टूडेंट हो गया और ये जो है टीचर हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, वैसे तो हर टीचर एडवांस में फीस लेता है, ठीक है, बट कभी कभार क्या होता है, बच्चा पहले पूरा 1 महीना पढ़ता है और 1 महीना होने के बाद फिर टीचर को फीस देता है, ठीक है। मान लीजिए उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो यहां पर क्या होगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या कहलाएगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज कहलाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो इसको देना था बट ये नहीं दे पाया है, फेल टू पे हो रहा है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। टीचर मांगे जा रहा है भाई फीस दे दे, बट वो नहीं दे रहा है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। और इसके लिए वो क्या है, इसको मिलनी थी, इनने 1 महीना पढ़ा दिया, अपनी सर्विस दे दी, बट इसको पैसे नहीं मिले हैं, तो इसके लिए वही चीज जो है आउटस्टैंडिंग इनकम जो है कहलाएगी, ठीक है, या एक्रूड इनकम भी आप इसको कह सकते हो। वो इनकम जो कमा ली है बट नहीं मिली है, उसको जो है एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम आप कह सकते हो। तो ये 4 वर्ड आपको बहुत ही अच्छे से घोल कर पी जाने हैं। अब हमने ये क्यों पढ़ा है, इस 4 वर्ड का क्या यूज होता है एनपीओ के अंदर, वो जरा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अब मुद्दे पर आते हैं कि मुद्दा क्या है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय अ बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड।
ये कह रहा है अकाउंट्स का सबसे मेन जो काम है, सबसे मेन जो फंक्शन है वो ये है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उस चीज को क्या करना, डिटरमाइन करना। ये अकाउंटिंग का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग। और कह रहा है ये चीज जो है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है एक अकाउंटिंग पीरियड में, ये चीज जो है हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक तो होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा होता है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोनों को डीपली समझेंगे कि कैश बेसिस के अंदर क्या होता है एंड सेकंड वाले के अंदर जो है क्या होता है। देखिए तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ओनली वेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड वेन अ पेमेंट और रिसिप्ट इज मेयरली ड्यू। ये क्या कह गया, बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको जो है सुनना है। ये कह रहा है कि भाई कैश बेसिस अकाउंटिंग इस चीज पर चलता है कि मान लीजिए आज अगर मैंने 1 जुलाई को, मान लीजिए अगर 1 जुलाई को मान लो इस पर्सन ने, ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, ए पर्सन ने बी पर्सन को 1 जुलाई को जो है 5,000 रुपए का माल बेचा, क्रेडिट सेल जो है इसने कर दी। ठीक है, ए पर्सन ने बी पर्सन को 5,000 रुपए की क्रेडिट सेल कर दी। ठीक है, तो इसको पैसे मिलने थे और इसको पैसे जो है पे करने थे। कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है, 1 जुलाई को जो है ट्रांजेक्शन हुआ है। और मान लीजिए पैसे जो है, मान लो ये हो रहा है 1 जुलाई 2020, और मान लो ये पैसे देगा मान लो 1 जुलाई 2021, अगले साल जो है ये पैसे देगा। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि मैं ट्रांजेक्शन को उस दिन रिकॉर्ड करूंगा जिस दिन मेरे को पैसे मिलेंगे, यानी इस डेट को, ना कि तब जब वो ट्रांजेक्शन हुआ है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है मैं 1 जुलाई 2020 में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा 1 जुलाई 2021 को, क्योंकि तब मेरे पास पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल सिमिलरली इसको एक्सपेंस में भी कह सकते हो। मान लीजिए ये ए पर्सन है और ये जो है बी पर्सन है। ठीक है, अब की बार क्या हुआ, ए ने बी से जो है मान लो 2,000 रुपए का परचेस कर लिया। ठीक है, क्रेडिट परचेस कर लिया, कब कर लिया, मान लो 1 अगस्त 2020 को। ठीक है, और पैसे ये जो पे करेगा इसके, वो करेगा 31 दिसंबर को। तो ये कह रहा है ट्रांजेक्शन भी उसी दिन रिकॉर्ड होगा जिस दिन पैसे पे करे हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2020 को जो है पैसे अगर पे हो रहे हैं तो ट्रांजेक्शन इस दिन रिकॉर्ड होगा, ना कि इस दिन को। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस बेसिस पर चलता है कि जब आप पैसे पे कर रहे हो या जब आपको पैसे मिलने हैं उस दिन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। यहां पर इस बात का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता कि वो जो पैसे मिलने हैं वो कितने साल पुराने हैं, 10 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हैं, आने वाले साल के लिए, पिछले वाले साल के लिए, कोई बात का ध्यान यहाँ पे नहीं रखा जाता है। सेम ऐसे ही इनकम में, सेम ऐसे ही एक्सपेंस में। देखिए, इट मींस रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश। कह रहा है रिवेन्यू रिकॉग्नाइज केवल तब होगा जब पैसा मिलेगा। लाइकवाइज एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड एज इनकर्ड ओनली वेन दे हैव बीन पेड। और एक्सपेंस को भी तभी एक्सपेंस माना जाएगा जब वो हम उसको पेड करेंगे। वेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव इन एडवांस और accrued इनकम आर नॉट कंसिडर्ड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन कह गए, ये आपको घोल कर पी जानी है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है, अभी हमने जो 4 टर्म पढ़ी है पीछे, ये उसकी ट्रीटमेंट नहीं करता है, ये उसको कंसीडर नहीं करता है। मतलब कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है वो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, उसकी एडजस्टमेंट, उसकी सेटलमेंट जो है नहीं करता है। अब एनपीओ के अंदर जो फर्स्ट अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो जो है प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से ही बनता है। मतलब कि जितना भी पैसा आ रहा है और जितना भी पैसा जा रहा है, सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाएगा
यहाँ पर इस बात का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता कि वो जो पैसा आ रहा है वो कौन से साल का है या कौन से आने वाले सालों के लिए है, या जो भी पैसा पे हो रहा है वो अब का है, प्रीवियस ईयर का, कभी का भी है। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट जो है नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। अंडर द एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अनलाइक अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्न और एक्रूड। सिमिलरली इफ एन एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये देखिए, यहां पर वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। इस पर्सन ने 1 जुलाई को सेल कर दी थी 5,000 रुपए की क्रेडिट सेल, लेकिन पैसे दे रहा था 1 जुलाई को। कैश वाला तो कह रहा है मैं 1 जुलाई को करूंगा, लेकिन एक्रूल वाला कह रहा है भाई मेरे को 1 जुलाई 2021 से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ट्रांजेक्शन को उसी दिन रिकॉर्ड करूंगा जिस दिन वो हुआ है, मतलब कि 1 जुलाई 2020 को। पैसे कब आएंगे कब नहीं मुझे इस बात का कोई लेना देना नहीं है, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उसी दिन रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड यहां पर भी अगर ए ने बी से 2,000 रुपए का क्रेडिट परचेज करा था 1 अगस्त को, लेकिन पेमेंट 31 तारीख को अगर वो करेगा 31 दिसंबर को, तो एक्रुअल वाला कहता है मेरे को इस बात का कोई लेना देना नहीं है, पेमेंट कब हो रही है। अगर आपने 1 अगस्त को परचेज करा है तो भाई वो 1 अगस्त को ही रिकॉर्ड होगा। इसका क्या मतलब हुआ देखिए, अंडर द एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस आर एडजस्टेड, सिमिलरली accrued income and income received in advance are recognized for ascertaining correct profit or loss for the accounting period। मतलब कि accrual basis of accounting के अंदर जो चार वर्ड होते हैं, outstanding expense, outstanding income, prepaid expense, prepaid income, यहां पर जो है इन सब की ट्रीटमेंट होती है, यहां पर जो है इन सब की ट्रीटमेंट होती है। और एनपीओ के अंदर जैसे फर्स्ट अकाउंट जो होता है वो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, वो जो बनता है वो बनता है आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर, ठीक है। लेकिन जो दूसरा अकाउंट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो बनता है आपका एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसको फॉलो करता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, ठीक है। ये जो है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एडजस्टमेंट करता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड इन सब की कोई भी एडजस्टमेंट जो है नहीं करता है, ठीक है जी। तो ये दो तरीके के जो है प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करने के तरीके होते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अलावा अब आते हैं मुद्दे पर, अगर आप हमारा ये पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सो गाइज आपको सिर्फ मात्र 100 रुपीज पर मंथ के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, डेली वीडियो लेक्चर्स आपको जो है यहाँ पर मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो भी लेक्चर से रिलेटेड होगी वो यहाँ पर आपको जो है अवेलेबल होगी, डेली लेक्चर नोट्स आपको जो है इससे रिलेटेड जो भी होंगे वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, रेगुलर टेस्ट सीरीज जो है इसमें आपको मिलेगी। साथ के साथ सबसे बढ़िया बात यहाँ पर आपको लिए ये है कि अगर आपके पास कोई से भी राइटर की बुक है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हम जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जो है व्हाट्सएप पर किसी भी राइटर की बुक का कोई भी क्वेश्चन जो है मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा उस पर कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइस। साथ के साथ जैसे ही हमारा कोर्स फिनिश्ड हो जाएगा 31 दिसंबर तक, उसके बाद जो है हम सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न वगैरह कैसा रहता है, एंड आंसर राइटिंग स्किल जो है कैसे लिखेंगे कि अकाउंट्स के अंदर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है स्कोर कर सके, तो ये सारे के सारे फीचर्स जो है गाइज आपको जो है मात्र 100 रुपीज पर मंथ में मिल रहे हैं। तो अगर आप इस पेड कोर्स को जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है टेक्स्ट कर देना है कि सर हमें जो है आपका पेड कोर्स ज्वाइन करना है, तो हम आपको जो है ये पेड कोर्स ज्वाइन करा देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।